सीखो क्योंकि PSC SSC रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये GK का पार्ट 2 है, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए आ रहे हैं। इसमें ये सभी प्रश्न आपके लिए, जितने भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर अंत में देखना है आपको। यहाँ पे अभी आपकी वेबसाइट देखोगे तो सभी प्रश्न उत्तर अंत में मिलेंगे। वो सभी प्रतियोगियों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और PDF के लिए हमारी वेबसाइट hindieducation.in पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी और hindieducation.in पर, तो वहाँ से आपको पूरी PDF वहाँ से मिल जाएगी। भाई दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबर किस वर्ष में लिखी थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्क। जो बाबर की आत्मकथा जिसका नाम है तुझुक बाबरी है और उसको बाबर नामक बोलते हैं, और किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों ये तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी दी गई दोस्तों जय सिंह को दी गई। मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? जय सिंह को दी गई। मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? जय सिंह को। जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर सी वाला, चितरंजन दास। स्वराज दल का गठन किसने किया? चितरंजन दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहेगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल में जीती है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस खेल में? यह फुटबॉल में जीती है। किस खेल में जीती? फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी किस खेल में जीती? फुटबॉल में। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया था? फिल्म क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से मिली थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इनमें आप अपना सही आंसर क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सही आंसर आपका दोस्तों केरल। मोहिनीअट्टम किस राज्य में रहते? केरल में रहते। नेक्स्ट है, कथक किस राज्य में रहते? कथक किस राज्य में रहते? तो कथक किस राज्य के शास्त्र रहते हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के शास्त्र रहते हैं? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु, मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु बैक्टीरिया, वायरस, कोकोन, प्लाज्मोडियम। तो सही ऑप्शन है इसका प्लाज्मोडियम। सही आंसर दोस्तों प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, कोशिका बिजलीघर किसे कहते हैं? तो कोशिका बिजलीघर दोस्तों माइटोकांड्रिया। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है, एटम का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों डाल्टन ने दिया था। एटम का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। नेक्स्ट है, डॉक्टर CV वेंकटरमन किस योद्धा में नोबेल पुरस्कार मिला? तो CV का मतलब चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो दोस्तों इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक को, भौतिकी के क्षेत्र में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापते हैं? तो ये दोस्तों लैक्टोमीटर से। किससे नापते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध पट्टे में पहुंचता है एसिड निकल जाता है, दूध फट जाता है तो उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड इससे निकल जाता है। रात के समय पेड़ के पीछे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वर्षा करते हैं, फिर रात के पेड़ सो जाते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन आई थे, क्योंकि रात के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अल्फोंसो क्या है? अल्फोंसो क्या है? अंगूर, आंवले और आम। दोस्तों ये आम की प्रजाति है। अल्फोंसो क्या है? आम की प्रजाति है। नेक्स्ट है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बी ऑप्शन इसका राइट है, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहा गया? भारत का पेरिस जयपुर को कहा गया। किसे कहा गया? जयपुर को। नेक्स्ट है, गुलाबों का शहर किसे कहा गया? गुलाबों का शहर है दोस्तों चंडीगढ़ को। किसे कहा गया? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है, भारत के पिट्सबर्ग किसे कहा गया? तो ये दोस्तों जमशेदपुर को। किसे कहा गया? जमशेदपुर को।
सांपों का देश किसे कहा गया? अगला प्रश्न, सांपों का देश किसे कहा गया? सही ऑप्शन अपना चुनिए, ब्राजील। किसे कहा गया? ब्राजील। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? तो ये है दोस्तों बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? बेंगलोर। और पिरामिड का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को। पिरामिड का शहर मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी किस शहर को कहा गया? अंडों की टोकरी किस शहर को कहा गया? तो अंडों की टोकरी, ये वाला सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी सही आंसर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस प्रदेश को कहा गया? यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। इसको कहा गया तुर्की। और सही एक और लास्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा गया? गुलाबी शहर किसे कहा गया दोस्तों? जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर। तो देखिए दोस्तों, ये अपने 25 क्वेश्चन थे। और 25 के क्वेश्चन के आंसर यदि आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, वेबसाइट पर पढ़ते हैं और पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो सारे प्रश्न आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ नीचे लिंक में दिए हुए हैं। ये नीचे क्रम से उत्तर दिए हुए हैं, ये 1, 2, 3 सारे प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इस सब प्रश्नों के उत्तर अपने वक्त में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं और अपना स्कोर बना सकते हैं कि आपको कितने पाना है, कितना क्या सब प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।